सीमांत 10 जिले में सटडाउन आज हो द्वितीय दिन गत काली 10 टी जिले में सप्ताहत सटडाउन आरंभ हो छत्तीसगढ़ एवं झारखंड सीमांत 10 जिलार सहरांचल सप्ताहत सटडाउन हो प्रति शनिवार एवं रविवार सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ नुआपड़ा कलाहांडी बलांगीर कोरापुट नवरंगपुर एवं मलकानगिर सहरांचल वीकेंड कर्फ्यू जहां लागू करा जाय छि जरूरीकालीन सेवे नियोजित व्यक्ति निज आई कार्ड चेकिंग समय देखाई पारे से छत्तीसगढ़ सीमांत जिला सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ नुआपड़ा कलाहांडी बलांगीर कोरापुट नवरंगपुर एवं मलकानगिर सहरांचल रात्रिकालीन कर्फ्यू समय परिवर्तन रहउछि तबे 10 जिलार सहरांचल संध्या 6:00 रु भोर 5:00 जाय नाइट कर्फ्यू करा जाय छे। तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी सागर पटनायक सुंदरगढ़ आम सहित जोड़ तबे सागर जहाँ सूचना मध्य रही कि सीमांत 10 जिले में सटडाउन आज हूँ द्वितीय दिन काली अर्थात गत काली 10 टी जिले में सप्ताहत सटडाउन आरंभ हो सारी तेज सकाल सकाल सेठाकर स्थित कौन रही साधारण लोक यहाँ केत दूर पालन कर सकाळर कथा कहिबा कालीर मध्ये कथा कहिबा लोके बिना कामरे घर बाहर नांती पुलिस पक्षर मध्ये सुंदरगढ़ शहर रे व्यापक चेकिंग करा जाउची ठाए ठाए विभिन्न छकरे पुलिस रो सामने रहिची एवं बिना कामरे लोके बाहर नांती किंतु जहा किछि अमानिया रहिचंती से माने बाहर उपर मध्य कार्यानुष्ठान पुलिस जारी रखी तो सुंदरगढ़ रो जो भाई भाव में संक्रमित संख्या बढ़ुची ताकू नहीं कौनसी ना कौनसी जगह जनसाधारण को मध्य चिंता रही प्रशासनिक प्रशासन से तत्परता देखा किसी पदक्षेप नाप सीमा गुड़िक छत्तीसगढ़ सीमार चेकिंग जारी रही व्यापक कटकणा रही बिना कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट रे कहा को छत्तीसगढ़ रु सुंदरगढ़ को पशिया को दिया जाओ नहीं हेले प्रशासन रे मुख्य चिंता रही जो गोला बाट गाँ गहली रो गोला बाट दे छत्तीसगढ़ रु लोके चली आसुंती ताकू कि भली रोका जाय परिबो से ने प्रशासनिक स्तर रे व्यापक आलोचना चली अन्यपटे आरटीपीसीआर टेस्ट जो होउची तार जो रिजल्ट आसीबारे विलंब होउची ताकू केमती त्वरान्वित करा जाय परिबो एवं शीघ्र लोके रिजल्ट पाइबे काहेकि ना जो समय लोके टेस्ट दौंट एवं 5 रु 7 दिन जो गैप रोज से समय लोके बुलाबूली करपर्शे आसफल कि कोरोना आहरी व्यापी जाऊँच तो आरटीपीसीआर टेस्ट रख्या बढ़ेगा एवं आरटीपीसीआर टेस्ट रिजल्ट जब जल्दी आसवे प्रक्रिया को किभि आहरी त्वरान्वित करा जाय परबो से नै आलोचना चलछि। सागर सबटे बड़ कथा आउछि सीमावर्ती अंचल को अधिक गुरुत्व दैछन्ते राज्य सरकार काहेकि ना सीमावर्ती अंचल बाहर जो माने आसुछन्ति सेमानकु क्वारंटाइन रखा जाउछि एबल कि सूचना आसुछि के देखंतु वर्तमान सुंदरगढ़ जो तीनोटी ब्लॉक छत्तीसगढ़ सीमा को लागि रहिछि हेमगिरी लेफ्रीपड़ा एवं बालीसंकरा यही तीनोटी ब्लॉक रो मुख्य रास्ता रे वर्तमान पुलिस रो व्यापक चेकिंग चली छत्तीसगढ़ जो लोक मैंने आमंकर कोविड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट रहा जरूरी रोचे मानने वर्तमान जी आसो तार 72 घंटा भितर कोविड टेस्ट एवं टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आसीबा जरूरी तो नेगेटिव रिपोर्ट नथिले छत्तीसगढ़ सीमारु सुंदरगढ़ सीमा को आसवाक दि जाऊ ना फेरे दि जाऊँगी किंतु जहाँ गला बाट रही गाँ गहली जो बाट रही कमी रोक जा पार से नहीं प्रशासनिक स्तर में एक आलोचना चलती से नहीं किसी बड़ पदक्षेप निजार जहाँ सूचना रही सागर सबुठ बड़ कथा हूँ दिन कु दिन आक्रांत संख्या बढ़ुच्छे स्थिति में सरकार के पक्ष केवल सटडाउन ही एक प्रकार गुरुत्व बोली दि जाएगी ही वर्तमान प्राधान्य दि जाएगी तेज जो भाव में सामान्य कोहल तेरे सामान्य कोहल क्योंकि भारी पड़ कि आशा कर निश्चित भाव देखु जोटा कि पार्शियाल सटडाउन रोचे लोके राति बाहर दिन बेला बाहर एवं जो समय रे दुकान बंद रोचे एवं जो समय रे दुकान खोला रोचे से समय रे अधिक भिड़ हम बोली जहाँ आशा करा जाउची तेणु जदि 6:00 रु 5:00 बंद हो जो तो जो सकाल समय रही से समय रे दुकान बजार अधिक भिड़ हम तो से नहीं एक बड़ प्रश्न उठी
ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ବିତି ଗଲାଣି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କରୋନା ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି 55 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବେଡ୍ ରହିଛି 40 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ଯଦି କଥା କହିବା ଯୋଉ ଏନ୍ଟିପିସି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ସେଠାରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବେଡ୍ ଆଦୌ ନାହିଁ ସେଠାରେ କେବଳ ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଯାହାର ଦୂରତା 100 କିଲୋମିଟର ରହିଛି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ସେଠାରେ 55 ବେଡ୍ ରହିଛି ଏବଂ 40 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ରହିଛି ତ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପଡୁଛି ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ବେଡ୍ କଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ ସେ ନେଇ ଏକ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ନିହାତରେ ସାଗର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତେବେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ